महाप्रलय की प्रतिध्वनियों में भी जो जनता सोती है, यह 26 जनवरी उन्हें दे रही चुनौती है। नहीं जगे तो नहीं जगे वह किस्मत पर रोने वाले, नहीं जगे तो नहीं जगे घर फूक हवन करने वाले। जिन बेशर्मों पर शर्मिंदा शर्म स्वयं भी होती है, यह 26 जनवरी उन्हें आज दे रही चुनौती है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, ये भारतीय इतिहास का सर्व उज्ज्वल पृष्ठ है। यह हमारी प्राचीन सांस्कृतिक गरिमा का गौरव दिवस है। आज के ही दिन शताब्दियों की दास्ता की श्रृंखला पूरी तरह टूटी थी और पराधीनता की प्राचीन पूतना का वध हुआ था। आज के ही दिन ही हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र घोषित हुआ था। आज के ही दिन राजतंत्र की शीर्षा बिखरा था और प्रजातंत्र का पौधा लहराया था। आज के ही दिन मानव मानव के मध्य की दुर्भाग्य दीवार ध्वस्त हुई थी और समान अधिकार पाकर सीना तानकर हम उठ खड़े हुए थे। कभी 26 जनवरी प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाई जाती थी। इस दिन का अपना इतिहास है। 1929 में लाहौर के रावी के तट पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इस दिन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देशभक्तों ने एक कसम खाई थी कि जब तक अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त कर पूर्ण स्वराज नहीं लेंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजेंद्र बाबू, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक बलिदानी नेता और क्रांतिकारी स्वाधीनता के दीवाने सर पर कफन बांधे, जान हथेली पर लिए अंग्रेजों से जूझते रहे और अंत में वह मंगल प्रभात 15 अगस्त 1947 को आया जब हमें औपनिवेशिक स्वराज मिला। 26 जनवरी 1950 को हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली। रावी के तट पर लिया गया प्रण अक्षरशः पूरा हुआ। तब से भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष लोक कल्याणकारी राज्य उद्घोषित हुआ। गणतंत्र अर्थात प्रजातंत्र का अर्थ जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था। यह जनतंत्र हमारे लिए कोई नवीन जीवन आदर्श नहीं है। हमारे गणतंत्र की गंगा तो सहस्त्र शताब्दियों से संचारित होती रही है। आज इंग्लैंड को जनतंत्र की जननी कहा जाता है। इंग्लैंड इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। परंतु आधुनिक जनतंत्र की तथा कथित इस जन्मभूमि में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को 1928 के पूर्व तक मताधिकार का अधिकार तक प्राप्त नहीं था। परंतु हमारे यहां वैशाली में आज से 25 शताब्दियों पूर्व ही जनतांत्रिक जीवन प्रणाली की जानवी जनता को जागृत कर चुकी थी। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र अपनी स्निग्ध ज्योत्सना से जग को ज्योतित कर चुका था। वहां प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति और मत का अधिकार प्राप्त था। वैशाली की इस मानवीय मूल्यों से संपोषित जनतांत्रिक जीवन प्रणाली की महत्वता पर स्वयं भगवान बुद्ध भी मंत्रमुग्ध थे। अतः निस्संदेह महावीर की पावन जन्मभूमि, श्री राम की पावन जन्मभूमि जनतंत्र की जननी है। महात्मा गांधी ने गणतंत्र का अर्थार्थ बताया था। उन्होंने उसका अर्थ बताया था जिसमें निम्न से निम्न और उच्च से उच्च व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है। हम सभी भारतवासियों को अपने हृदय पर हाथ रखकर यह सोचना चाहिए कि महात्मा गांधी के धारणा के निकष पर हमारा गणतंत्र खरा उतर रहा है या नहीं। स्वतंत्रता, आज़ादी, आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वो पिंजरे में बंद पक्षी हो या रस्सी से बंधा हुआ पशु। जब जानवरों को अपनी गुलामी पसंद नहीं है तो हम तो फिर भी इंसान हैं। लोदी, खिलजी, मुगल, अंग्रेज, न जाने कितने वर्षों की गुलामी हमने सही है। सिर्फ इसी वजह से स्वतंत्रता केवल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, वरन कर्म सिद्ध अधिकार भी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ठीक ही कहा था कि स्वतंत्रता के विजय नाद एक दिन में प्राप्त नहीं किए जाते। स्वतंत्रता की देवी बड़ी कठिनाई से संतुष्ट एवं तृप्त होती है। वो भक्तों की कठोर एवं दीर्घव्यापी तपस्या चाहती है, परीक्षा लेती है। उसका मूल्य निरंतर सावधानता है। उसकी प्राप्ति से भी कठिन उसका संरक्षण है। उसके संरक्षण के लिए हर क्षण
तलवार की धार पर चलना पड़ता है। जिस देश का बच्चा बच्चा सचेष्ट नहीं रहता, उसकी आज़ादी क्षण में लीन हो जाती है। याद रखिए कि आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियां नहीं जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। ये बात अपने बच्चों को समझाइए कि वो इस देश को, इस देश की स्वाधीनता को, इस देश की गणतंत्रता को फॉर ग्रांटेड ना लें। 26 जनवरी 1950 जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, यह दिन प्रेरणा और प्रतिज्ञा का दिवस है। याद रखें कि जिस स्वतंत्रता को हमने रक्त की होली खेलकर अर्जित किया है, उसकी रक्षा हम फांसी के तख्त पर चढ़कर तथा आग के दरिया में तैरकर भी करेंगे। हमारा प्रजातंत्र केवल शाब्दिक नहीं है, वास्तविक है, क्योंकि इसकी प्राप्ति के लिए एक 23 साल के नौजवान को फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ा था। इसकी प्राप्ति के लिए एक बूढ़े फकीर संत को सीने पर गोली खानी पड़ी थी। इसकी प्राप्ति के लिए एक नौजवान नेताजी को देश छोड़ना पड़ा था। और ना जाने इतनी कितनी कहानियां इस देश के इतिहास में दबी है, और इसकी भावना पर कभी चोट ना पहुंचे, ये हमारा और आपका कर्तव्य है। दिनकर साहब ने क्या खूब लिखा है कि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, चढ़ गए जो सूली पर बिना लिए गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। याद रखिए उन वीरों को जिनको मरने से डर नहीं लगा, जिन्होंने कहा कि मरना अगर पड़े तो मर जाए हम खुशी से, निज देश के लिए छूटे लगन न जी से, पर संकटों में बन जाए हम भिखारी, सिर पर मुसीबत आ जाए क्यों सारी, हिम्मत कभी ना हारे बिचले नमन हमारा, छूटे देश की सेवा में तन हमारा। याद रखिए कि इस प्रजातंत्र की रक्षा आपको करनी है। जब तक हम अपने देश से दारिद्र्य, अशिक्षा, अनैतिकता और आत्महीनता की कुछ झटिकाओं को दूर नहीं कर सकेंगे, तब तक जनतंत्र के अरुणोदय का सुंदर आलोक नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आज हमारे जनतंत्र के जलाशय का जलद जातीयता की ज्वाला में जल रहा है। सामसिक संस्कृति का यह शतदल सांप्रदायिकता के संतराश में श्रीहीन हो रहा है। दिग्भ्रांत दर्शन के डाह से हमारा देश दग्ध हो रहा है। भारतीयता की सतह प्रवाहमान भागरथी प्रदूषित पंथवाद की पर्वतकारा में अवरुद्ध हो किसी भावी भागीरथ की मांग कर रही है। कश्मीर का कीचक हमारी इस पांचाली की प्रतिष्ठा लूटना चाह रहा है, और स्वयं पांचाल पुत्र ही इस पांचाल पुत्री को निर्वस्त करते हुए उद्धत है। अतः एक बार पुनः कर्मशील कृष्ण की आवश्यकता है, जो इन कुटिल कौरवों से हमारी जनतांत्रिक जीवन प्रणाली की, पांचाली की रक्षा करे। और अंत में याद करें उन वीरों को जिन्होंने अपने प्राण दिए इस सुनहरे दिन के लिए, जेल में जीवन बिता दिया, और याद करें उन वीरों को जो इसकी रक्षा में सीमा पर शहीद हो जाते हैं। उनको समर्पित करता हूं मैं ये 4 पंक्तियां कि असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद।